जालौन के कॉलेज की छत से गिरकर एक छात्र की मौत हो गई है। छात्र प्रैक्टिकल परीक्षा देने के लिए कॉलेज में आया हुआ था। वहीं महोबा जिले के जखा गांव का रहने वाला छात्र चरण सिंह राजपूत जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में शताब्दी महाविद्यालय में बीएससी फर्स्ट ईयर का छात्र था। पुलिस ने शव को पूरे मामले की जाँच के लिए भेज दिया है। हरदोई के टडियावा थाना इलाके में सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि छह लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायलों को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। लखनऊ में पत्नी को मरवाने की साजिश करने वाला शराब कारोबारी संजय कैडिया देवरिया का रहने वाला है और आपको बता दें पोंटी चड्डा ग्रुप से वो जुड़ा हुआ है। फिलहाल महिला की हालत स्थिर है और उसके छह उसे गोलियां लगी हैं। संजय और मोनिका दोनों पहले से शादीशुदा थे। फिलहाल मामले में अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इससे पहले लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने सरेआम महिला को गोली मारने का सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं और महिला होटल में खाना खाकर बाहर आई। पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच के आदेश दिए हैं। नोएडा के मॉडर्न पब्लिक स्कूल की छात्रा से छेड़छाड़ करने का आरोपी स्विमिंग टीचर अभी भी फरार है। पुलिस लगातार उसे ढूंढने की बात कर रही है, तो वहीं पीड़ित छात्रा घटना के बाद से सहम गई है। अलीगढ़ में शादी से एक दिन पहले दूल्हे की तरफ से दहेज में कार और 3 लाख रुपए मांगने पर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। मनाने के बाद भी जब लड़के वाले नहीं माने तो लड़की ने शादी तोड़ने का ऐलान कर दिया। लड़की वालों ने वर पक्ष के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब के नशे में धुत एक दूल्हे और बारातियों को लड़की के घर वालों ने बंधक बना लिया है। दूल्हे को नशे की हालत में देखकर लड़की ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और फिर लड़की पक्ष ने दहेज में दिए गए सामान वापस लेने की मांग करी। ये घटना बहिरवार गोगलिया गाँव की है। बिहार में बाल विवाह पर लगाम नहीं लग पा रही। ताजा मामला नवादा से सामने आया है, जहां संस्कार और रीति रिवाज के नाम पर बचपन की बलि दी गई है। खुलासा हुआ कि कानून की आंखों में धूल झोंककर नवादा के अकबरपुरा में करीब एक दर्जन से भी ज्यादा बच्चों का बाल विवाह करवाया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शव मंदिर में बाल विवाह का है, जबकि कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। पिछले काफी दिनों से अकबरपुर स्थित शिव मंदिर में धड़ल्ले से बाल विवाह हो रहा है। हालांकि मामला सामने आने के बाद एसडीओ रजौली अनु मंडल और इनके साथ जांच की कार्रवाई का भरोसा इन लोगों से दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रतलाम में सामाजिक सुरक्षा विधवा पेंशन मामले में भारी धांधली का खुलासा हुआ है। अक्टूबर 2016 में सामाजिक सुरक्षा विधवा पेंशन मामले को लेकर खुलासा किया गया था कि फर्जी नामों से सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी की जा रही है और मामले में एडीएम ने करीब 500 ऐसे फर्जी हितग्राहियों को राशि रिकवरी के आदेश दिए। धर्मशाला में 8 सदस्यीय अमेरिकी डेलीगेशन दलाई लामा से मिलने पहुंचा है। आपको बता दें डेमोक्रेटिक पार्टी सांसद नैन्सी पेलोसी की अगुवाई में ये डेलीगेशन आया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 13 मई को डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए मंत्रियों, सभी नागरिकों और निकायों और अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स के साथ बैठक बुलाई है। राजधानी में डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने की तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री की ये पहली समीक्षा बैठक है, जिसमें संबंधित विभागों समेत एनडीएमसी और तीनों एमसीडी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। गुजरात में बीजेपी सांसद केसी पटेल को हनी ट्रैप के जरिए ब्लैकमेल करने का आरोपी महिला को आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले इस दिन के लिए एक जेल भी उनको भेजा गया था और आरोपी महिला को 2 मई के लिए दिल्ली पुलिस ने भी यूपी गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी दिल्ली में खड़े संकट के बीच पंजाब में भविष्य पर फैसला करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब के नेताओं की एक बैठक बुलाई है और बैठक में तय एजेंडे के मुताबिक बैठक में पंजाब के नए कन्वीनर पर फैसला होना है। हालांकि अब इसके टलने के आसार हैं।
मुंबई में बीजेपी विधायक विजय कुमार गावित पक्षी ने उनके निशाने पर आ गया है। गावित पर सूबे के आदिवासी विकास मंत्री रहते हुए घोटाला करने का आरोप लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज एजी गायकवाड़ की रिपोर्ट में उन्हें दोषी करार दिया गया। मुंबई से सटे भिवंडी महानगर पालिका चुनाव के लिए 629 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। कांग्रेस से 65 उम्मीदवार, बीजेपी से 60, शिवसेना से 50, समाजवादी पार्टी से 36 और एनसीपी से 33 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं और भिवंडी में 24 मई को चुनाव होने हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र में 14 मई से हर रविवार को पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि शिंदे के मुताबिक पेट्रोल डीलर्स ने तेल कंपनियों से कमीशन बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी गई, लिहाजा हर रविवार को पेट्रोल पंप्स बंद रखने का फैसला लिया गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में टेम्पो और ट्रक में हुई टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। टेम्पो में कुल 14 लोग सवार थे। महाराष्ट्र के नोलावला में एक्सप्रेसवे पर काम सेतु टनल में हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग इस घटना में बुरी तरह से जख्मी हो गए। इस सड़क दुर्घटना की वजह से पुणे से मुंबई ट्रैफिक बाधित हो रहा है। दिल्ली में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम ने स्वच्छता अभियान चलाया। आयोजन में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे। डेरा प्रमुख के साथ सांसद अनुराग ठाकुर, दिल्ली बीजेपी के प्रमुख मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मुलाकात की और नई जिम्मेदारी के लिए उन्हें धन्यवाद किया। इसके अलावा तीनों के बीच गुरदासपुर उपचुनाव पर भी चर्चा हुई। पंजाब में धर्म ग्रंथ की बेअदबी के मामले में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिरोजपुर के मल्लावाला गांव में किसी शरारती तत्व ने धर्म ग्रंथ की बेअदबी की पुलिस में शिकायत की, जांच की शुरुआत कर दी गई है। पंजाब के नवांशहर में 60 साल का ढोंगी तांत्रिक गिरफ्तार किया गया है। आरोपी तांत्रिक पर एक शख्स को खुदकुशी के लिए मजबूर करने का भी आरोप लगा है। पंजाब के लुधियाना में 2 गुटों की आपसी रंजिश में मारपीट हुई। तलवारों और बोतल से एक दूसरे पर हमला किया गया। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई और कई महिलाएं भी इस घटना में घायल हुई। पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में विस्फोट हो गया है और ऐसा माना जा रहा है कि ये विस्फोट आतंकियों ने किया है। ये हमला ओसग्राम के पिचकुड़ी ढाल टीएमसी कार्यालय में शाम करीब 6 बजे हुआ। पुलिस के मुताबिक विस्फोट में किसी के घायल होने की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कावा में बाबा पेद नदी में डूबकर सेना के 2 जवानों की मौत हो गई और इसमें हवलदार अंशुल और सिपाही विनोद सिंह गुर्जर भी शामिल हुए। इनकी मौत किन हालात की वजह से हुई, इसकी अभी जांच की जा रही है। पटना में स्वास्थ्य अभियंत्र विभाग के कार्यालय में छापेमारी के दौरान 2 कर्मचारियों को शराब पीते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि ये दोनों पुलिसकर्मी कार्यालय में बैठकर रोज शराब पीते हैं। इसके साथ ही विभाग के कई कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। हैदराबाद में गैंग से 1,85,00,000 रुपए के नोट बरामद किए गए। सभी नोट पुराने नोट हैं और इनमें रकम में 500 और 1,000 के पुराने नोट शामिल किए गए हैं। ये गैंग पुराने नोट बदलवाने का काम कर रहा था। छत्तीसगढ़ के कोरबा में प्रेम विवाह के खिलाफ परिवार के दबाव पर एक महिला ने अपने पति को फोन पर ट्रिपल तलाक दे दिया है। ये सुनकर पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते पड़ोसियों की मदद से उसे बचा लिया गया। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है। बिहार के फुलवारी शरीफ के अहमदपुर में एक पेड़ से बच्ची का शव लटका हुआ मिला और बच्ची की हत्या की गई है और फिर उसे आम के पेड़ से लटका दिया गया। अभी तक कातिलों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। बिहार के गोपालगंज में एक मुस्लिम परिवार ने अपनी करोड़ों की जमीन मंदिर बनाने के लिए दान में दे दी है। इस परिवार का कहना है कि दोनों समुदायों के बीच मोहब्बत बढ़नी चाहिए और ऐसे माहौल में ही बातचीत से अयोध्या विवाद भी सुलझाया जा सकता है।
गुजरात के भावनगर में रिटायर्ड एसबीआई कर्मचारी जनार्दन भाई भट्ट ने 1 करोड़ रुपए राष्ट्रीय सुरक्षा कोष को दान में दिए हैं और ये रकम उन्होंने अपनी बचत से दान की है। इसके अलावा उन्होंने लोगों की मदद से 24 लाख रुपए और इकट्ठा करके 54 लाख रुपए भी दान किए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से विकासशील देशों की जरूरतों और मांगों पर ज्यादा तवज्जो देने को कहा है। एडीबी के अध्यक्ष टेको नाको के मुलाकात के दौरान ये बात कही गई है और वित्त मंत्री ने जापान के वित्त मंत्री टैरो एसो के साथ भी बैठक की। वित्त मंत्री ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के बारे में बताया और जापानी कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए न्योता दिया है। खासकर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स और रोलिंग स्टॉक्स लगाने के लिए वित्त मंत्री ने जापानी कंपनियों को आने के लिए कहा है। अरुण जेटली एशियन डेवलपमेंट बैंक की सालाना बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जापान गए हुए हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई जल्द ही रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने जा रही है। इसके लिए एनपीसीआई ने कई बैंकों के साथ मुलाकात की है और साथ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसमें 7,200 ट्रांजैक्शंस हुई हैं। एनपीसीआई पंजाब नेशनल बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई बैंक आंध्रा बैंक और यूनियन बैंक के साथ पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और 3 और बैंकों को इसके साथ जोड़ा जाएगा। एनपीसीआई के पास 2.30 लाख बैंक एटीएम हैं और 3 करोड़ पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनस भी हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई की वेबसाइट पर लिस्टेड कंपनियों की फाइलिंग से जुड़ी जानकारी बिना ही एक्सचेंज के दखल में मिल जाएगी। आपको बता दें कि शुक्रवार से एनएसई की ये सुविधा शुरू कर दी गई है। लिस्टेड कंपनी की घोषणाएं बिना समय गवाए सीधे एनएसई की वेबसाइट पर मिलेगी और इससे शेयर होल्डर्स को काफी फायदा होगा। सरकार जल्द ही महिलाओं के लिए नेशनल पॉलिसी लाने की योजना बना रही है। पॉलिसी के तहत सिंगल महिलाओं को ज्यादा टैक्स छूट देने की योजना बनाई जा रही है और आधार कार्ड से जोड़कर गर्भवती महिलाओं को फायदे दिए जाएंगे। इसमें मुफ्त हेल्थ चेकअप और कैशलेस मेडिकल सुविधाएं देना भी शामिल होगा। महिलाओं के लिए मंत्रियों का एक समूह पॉलिसी बना रहा है और समूह की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कर रही हैं। साल 2001 से 2011 तक सिंगल महिलाओं के आंकड़ों में 39% की बढ़ोतरी हुई है और पॉलिसी में महिलाओं के लिए ज्यादा शौचालय बनाने पर भी जोर रहेगा। आपको बता दें इसके साथ ही उत्पीड़न का शिकार महिलाओं को मुफ्त मेडिकल सुविधाएं देने की भी योजना है। एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने का फायदा एयरलाइंस को मिल रहा है, तभी तो दिन ब दिन गैर मेट्रो शहरों से विदेश जाने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। पिछले 2 साल में एविएशन के डोमेस्टिक सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली है।